तीसरा होता है कन्वेंशनल आईएफ जो हम नॉर्मली करते हैं पेशेंट्स में, उसमें हम 9 से 10 दिन पेशेंट्स को रोज इंजेक्शन लगाते हैं, फिर पेशेंट्स के हम अंडे निकालते हैं। अंडे निकालने के लिए ऐसा आप नहीं डरो कि ऊपर से कोई कट लगता है या कोई दूरबीन डलती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंडे निकालने के लिए नीचे से ही वजाइना से प्रोब जाता है, जैसे हम नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करते हैं अंडे देखने के लिए, उसी में नीडल अटैच करके आपको बेहोश करके अंडे निकाले जाते हैं। और अंडे निकालने का ये मतलब नहीं है कि आपके सारे अंडे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अंडे आपके हर साइकिल में फिर से बनते हैं। तो अंडे हम निकालते हैं, जो फॉलिकुलर फ्लूइड होती है उसको हम बेहोश करके निकालते हैं। 10 से 15 मिनट का ये प्रोसीजर होता है। जिस दिन हम अंडे निकालते हैं उसी दिन हम हस्बैंड के शुक्राणु लेते हैं। शुक्राणु के लिए भी हम हस्बैंड को सब कुछ बताते हैं कि क्या करेंगे जिससे आपके जो शुक्राणु होते हैं वो ऑप्टिमल लेवल के उस दिन आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं, जितनी भी कोशिश कर सकें। पुरुषों में भी सारे लाइफस्टाइल चेंजेस होने बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके शुक्राणु हैं तो उसके लिए आप लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करोगे या फूड हैबिट्स नहीं चेंज करोगे। इनफैक्ट जो आपको खाने में, आप पूछोगे क्या खाना चाहिए, खाने में जितनी लाइकोपीन की वस्तुएं होती हैं, मतलब जितनी जिनमें लाइकोपीन प्रेजेंट होता है, जैसे टोमेटो होते हैं और भी जितनी रेड कलर के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, सब में लाइकोपीन प्रेजेंट होता है, वो आपको ज़्यादा खाना चाहिए, उससे वो फर्टिलिटी एनहांसिंग होते हैं। तो जितना आप नेचुरल खा सको उतना अच्छा है, वरना हम आपको ऊपर से फिर मेडिकेशन देते हैं। अब हमने वो अंडे निकाल लिए, आपके शुक्राणु ले लिए, शुक्राणु ले करके हमने उसको लैब में भ्रूण बनाया, उसको हमने इंक्यूबेटर में डाला, इंक्यूबेट करके हमने भ्रूण बनाया, भ्रूण बना के फिर वापस हम उसको आपके गर्भाशय में, आपकी वाइफ के गर्भाशय में डाल देते हैं। किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में जिनमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे आईवीएफ फेल होते हैं, या वाइफ को कोई और तकलीफ होती है, जैसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम हुई या सर्जिकल प्रॉब्लम हुई, तो उस केस में हम सरोगेट मदर में भी ट्रांसफ़र करते हैं, और कभी कभी हमें डोनर अंडे या डोनर शुक्राणु भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं। पर कोशिश हमारी यही रहती है कि पेशेंट के खुद के अंडे या खुद के शुक्राणु प्रिजर्व करके चल सकें। अब सवाल आता है कुछ पुरुषों के जिनके शुक्राणु ही नहीं बन रहे, वो पूछेंगे मैडम अब क्या करें, क्योंकि उनको तो इतना स्ट्रेस रहता है। उन केस में भी हम उनके टेस्टिस में से शुक्राणु लेकर के उनके ही जीन से बच्चे पैदा कर सकते हैं। तो ये चंद बातें आईवीएफ के बारे में, और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आईवीएफ इज़ नॉट अ प्रोसीजर जिसमें कि आप कुछ डरो या कोई भी प्रॉब्लम हो। ये तो एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है, जो कि आप सोचो कि हम एक असिस्ट करते हैं आपको कंसेप्शन करने में, जो पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उनको हम कंसेप्शन देने में असिस्ट करते हैं।